कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, वो है देखिए आलू गोश्त। बहुत ही ज़्यादा ये भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। देखिए आलू गोश्त बनाने के लिए हमने एक पोट लिया, पोट के अंदर हमने हाफ कप ऑयल लिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ हमने 2 लार्ज साइज की प्याज ली, जिसे हमने बारीक काट लिया है, इसको अंदर ऐड कर दें। ये फ्राई हो रही है लो फ्लेम पे, बनाने के लिए हम प्याज को फ्राई करें, गोल्डन ब्राउन होती जा रही है। ये हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं प्लेटर के अंदर। फ्राई करके इसको एक प्लेटर के अंदर निकाल लिया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। तो ये आलू गोश्त आप मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। हमने बीफ का गोश्त ले लिया 1/2 किलो, जिसे अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया है, निकालिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोश्त बीफ का 1/2 kg। आलू गोश्त बनाने के लिए हम खड़े मसाले ले लिए, 1 अदद हमने लिए तेज़पत्ता, 2 अदद हरी इलायची, जायफल जावेदरी 1-1 पीस, 2 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून जीरा। तमाम चीज़ों का अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। ऐड करें तमाम खड़े मसाले, तेज़पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है, जीरा इसमें ऐड कर रहे हैं हम, दालचीनी ऐड कर रहे हैं, हरी इलायची ऐड कर रहे हैं, जायफल जावेदरी इसमें ऐड कर रहे हैं हम, बड़ी इलायची इसमें ऐड कर रहे हैं हम, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 10 से 12 साबुत काली मिर्ची इसमें हमने ऐड कर दी है। हम डाल दिए इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। तमाम खड़े मसालों को हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है। देखते हैं हमने गोश्त डाला था वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसे भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, इसको हम अच्छी कर लेंगे। अदरक लहसुन डाला था वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने साबुत खड़ा मसाला लिया था, जिसे हमने पीस लिया था, उसको हम ऐड कर देंगे। भून लेंगे मसाला डाल के। 1/2 टेबल स्पून हम पिसा हुआ धनिया, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टी स्पून नमक डाला था पीस के, वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस, इसके अंदर मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, नमक और पिसा हुआ धनिया, तमाम स्पाइसेस एक साथ इसके अंदर हम ऐड कर, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले चिपके नहीं। यहाँ हमने मसाले डाल दिए, इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुका है, मसालों के साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 ग्लास पानी, क्योंकि हमें गोश्त को करना है टेंडर। हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे तब तक जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर करके रखते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। हो चुके हैं, हमें देखिए आलू गोश्त को जो हमने चेस्ट का लुक दिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं कि यहाँ गोश्त गल चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं इसे, पानी भी इसका बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप दही, हमने दही ऐड कर दिया, साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चूरा की हुई प्याज, क्रश कर लीजिए हमने प्याज को, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ फ्राई प्याज जो हमने चूरा कर लिया था, क्रश की हुई प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे 15 से 20 मिनट रखेंगे लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। देखिए आलू गोश्त का हम कवर हटा के आपको लुक दिखा देते हैं, देखते हैं कि दही का पानी ड्राई हुआ या नहीं। अब हम कवर हटा के आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और उसमें रोगन भी अलग हो चुका है। 4 साइज के आलू लेंगे जिसे हमने काट लिए हैं, और इसको गोश्त के अंदर ऐड, यहाँ हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। देगी आलू गोश्त का इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू, हमने बड़े बड़े आलू काट लिए। देगी आलू गोश्त के अंदर आलू हमेशा बड़े अच्छे लगते हैं, ये देख सकते हैं बड़े बड़े काट लिए आलूओं को, और उसको हमने मसाले के अंदर ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं 1 गिलास पानी, ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। इसको हम कवर करके रखते हैं 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। 15 मिनट के ब्रेक के बाद हो चुके हैं, देखिए आलू गोश्त को जो हमने आलू ऐड कर दिए थे, देखते हैं कि टेंडर हुए या नहीं। देख सकते हैं कि आलू हमारे अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं, ये देख सकते हैं हमारे आलू अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं। देख सकते हैं, देखिए आलू गोश्त हमारा हो चुका है कम्प्लीट रेडी, गोश्त भी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है और आलू अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसका डिश आउट करने का फिर आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए आलू गोश्त हो चुका है कंप्लीट रेडी, इसमें गार्निश करा हरी मिर्च के साथ, बारीक कटा हरा धनिया के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। ईद स्पेशल रेसिपी आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।